बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल का 19वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव की शुरुआत मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर एसएस संगवान और स्कूल के चेयरमैन विनोद बंसल ने दीप जलाकर की। 19वें वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। वार्षिक उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। स्कूल के बच्चों ने गणेश वंदना में ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता का परिचय दे दिया। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि एसएस संगवान ने स्कूल के प्रबंधन तंत्र की प्रशंसा करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं दी। मेरी तरफ से जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल को उसकी शुभकामनाएं। आप वो समझिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाया। इसका टीचर कहता है बहुत बच्चे, सारे बच्चे अभी तक जितने प्रोग्राम आए का मतलब होता है फोन, बहुत ही उम्दा लेवल के हैं। और मेरा मानना है कि टीवी के जो प्रोग्राम आते हैं वेरियस प्रोग्राम, उनसे कहीं ये ऊंचे दर्जे का। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल के हरेक बच्चे को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। खुश रहे, अच्छा करें, हम कोई इसमें दो राय नहीं है कि इस स्कूल से आगे आने वाले समय में हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और नासा में भी बच्चे जाएंगे। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल के 19वें वार्षिक उत्सव में भारी संख्या में अभिभावकों ने शामिल होकर अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियां तारीफ के काबिल रहीं। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां अभिभावकों को खुश करती नजर आईं। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन विनोद बंसल ने सफल वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 19वां एनुअल फंक्शन है, मैं ऐसे संगवान साहब का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि वे अपना अमूल्य समय निकाल कर बच्चों के बीच में आए हैं। और क्योंकि वो कमांडेंट सीओडी हैं, उसके साथ साथ उनका बहुत कुछ कार्य क्षेत्र मिलिट्री में रहा है और बहुत डिफेंस के लिए काम किया है, मैं अपने स्कूल की ओर से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। और इस आशा विश्वास के साथ स्टाफ ने पूरी मेहनत की है और आपको पूरा भारत दर्शन आज जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में मिलेगा, चाहे वो गुजराती डांस हो, महाराष्ट्रीय डांस हो, गणेश वंदना हो, जो होली हो, वो सब आज आपको देखने को मिलेगी। मैं पूरे अपने स्टाफ का और चैनल मीडिया का धन्यवाद अदा करता हूं। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति एक से एक शानदार नजर आई। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए स्कूल का मान बढ़ाया। विद्यालय के मैनेजर मोहित बंसल ने बच्चों को बधाई देने के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। आपने देखा कि जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में जो वार्षिक का आयोजन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि मतलब बच्चे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी प्रदर्शन जो दे रहे हैं स्टेज पर, जिस तरह से वो एनुअल फंक्शन में अपना एक वो योगदान दे रहे हैं, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब वो अपना एक स्टडी में भी एक ऐसा मुकाम दें अपने आप को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिले जिससे कि कहीं पे भी जो वो चाहे आईआईटी की एक लेवल पे जाएं, चाहे वो इंटर कॉलेज में, इंटर स्कूल में जब वो अपने बोर्ड के एग्जाम देते हैं तब उसमें वो अटेम्प्ट करते हैं कोई भी एग्जाम, तो उनको 100% ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मुझे एक टारगेट जब मिलता है तो उस टारगेट के अचीवमेंट, उस टारगेट को लेके चलेंगे, तब वो किसी भी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी एक एम होता है। तो मैं उन बच्चों को और एक अपने जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल के स्टाफ को, मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने बच्चों की तैयारी कराई है। और आज हमारे प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट रहे हैं, मिस्टर ब्रिगेडियर एसएस सांगवान जी रहे हैं, जो सीओडी आगरा कमांडेंट हैं, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल के परिवार की ओर से। और मैं बच्चों की फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम का आयोजन, उन्होंने सब अपने पेरेंट्स को दिखाया है और पेरेंट्स जो इन्होंने इतनी सर्दी में आकर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई का पात्र देता हूं, क्योंकि इतना समय अपने बच्चों को देना है आज के समय के हिसाब से, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स को ये नहीं ना मालूम हो कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। 19वें वार्षिक उत्सव के सफल आयोजन का श्रेय विद्यालय के स्टाफ और बच्चों की प्रतिभा को दिया गया।
7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विकास सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।